गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अमृत भारत स्टेशन योजना। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। साथ ही 550 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी गई, जो देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित करने की एक सरकारी पहल है। योजना का प्रारंभिक उद्देश्य यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और आरामदायक अनुभव को बढ़ावा देने के लिए स्टेशन सुविधाओं को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने इस बात पर जोर दिया है कि ये स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में काम करेंगे, जो शहरों के दोनों किनारों को एकीकृत करने का काम करेंगे। इसके अलावा आधुनिक यात्री सुविधाओं जैसे छत प्लाजा, इंटर मॉल कनेक्टिविटी, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और फूड कोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन स्टेशनों को पर्यावरण के अनुकूल और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने की कल्पना भी की गई है। साल 2023 में भारतीय रेलवे ने 3.52 बिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान की। आइए जानते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों को बढ़ाना और आधुनिक बनाना है। 7,000 स्टेशनों में से 1,321 को पुनर्विकास के लिए चुना गया है। पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए यातायात परिसंचरण, अंतर मॉडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए साइनेज सुनिश्चित करेगा। तो ये थी कुछ जानकारी अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में।